हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 5 पिन सॉकेट लेके आया हूँ और ये हमारा स्विच इस 5 पिन सॉकेट को ऑपरेट करेगा और ये हमारा डायरेक्टली फैन रेगुलेटर ऑन ऑफ होएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ऑफ है, यहाँ पर ये हमारा 1 है और यहाँ पर ये हमारा 4 है। पूरा घूम करके ये यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो इसमें मैं स्विच नहीं लगा रहा, ये स्विच सिर्फ हम इन 2 सॉकेट के लिए यूज में लेंगे। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आप, इसके 2 वायर निकले हुए हैं हमारे ये फैन रेगुलेटर के। और ये फैन रेगुलेटर फ्रेंड्स हम ऑपरेट करेंगे, ये हमारा 200 वाट का बल्ब है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको फैन नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पर ये हम 200 वाट का बल्ब ऑन ऑफ करने के लिए यूज में लेंगे। और ये हमारा स्विच है रहेगा, ये स्विच हमारा इन दोनों सॉकेट को पैरेलली ऑन ऑफ करेगा। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन अपने 3 वायर दिखा देता हूँ। ये हमारा रेड वाला वायर हमारा मेन फेस का रहेगा, ब्लैक वाला वायर हमारा न्यूट्रल का रहेगा, और ये अगर किसी को अर्थिंग के कनेक्शन करवाने हैं तो ये ग्रीन वाला वायर ये हमारा अर्थिंग का कनेक्शन रहेगा। इन्हें हम बाद में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन फेस का वायर ले लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप फेस का वायर या फिर मेन वायर जो यूज में लो उसे आप स्विच के थ्रू या फिर MCB के माध्यम से ट्रैवल कराने का। जैसे कि स्विच के यहाँ पर 2 पॉइंट है, आप किसी भी ऊपर या फिर नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करा सकते हो। तो यहाँ तक अब हमारा कंप्लीट है। लेकिन ये फैन रेगुलेटर में भी हमें एक फेस का वायर कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो इसके साथ में मैं यहाँ पर ये इसे भी कनेक्ट करा देता हूँ, ज्वाइन करा देता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स इस फैन रेगुलेटर को भी स्विच के माध्यम से ही ज्वाइन कराना चाहते हो, या फिर आपके पास एक और स्विच है, या फिर यहाँ पर आपके पास एक और स्विच है, तो इससे हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी मेन सप्लाई अब कनेक्ट हो चुकी है। तो छोटे छोटे वायर हम लेंगे यहाँ पर। अब ये जैसे कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, सेम वैसे ही आपको कनेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। अब हम इसे भी अच्छे से टाइट कर देंगे, हर पॉइंट को आप अच्छे से टाइट करना ताकि लूज कनेक्शन में हमारा कोई भी वायर कार्बन या फिर जले ना। अब इसे टाइट करने से पहले मैंने कहा था कि ये स्विच हमारा इन दोनों सॉकेट को ऑपरेट करेगा। तो एक और हमें छोटा सा वायर यूज में लेना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली मैं इसमें और इसमें कनेक्ट करा दूंगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये स्विच ऑन करूंगा तो दोनों सॉकेट में हमारा पावर आ जाएगा, मतलब कि मेन फेस की लाइन आ जाएगी। तो इससे ये हमारा सॉकेट ऑन हो जाएगा। जितने भी फेस के वायर होते हैं फ्रेंड्स, ये हमें हमेशा ही स्विच के माध्यम से ट्रेवल कराने होते हैं। आप पहले टेस्टर के थ्रू चेक कर लीजिएगा कि किस में लाइट है हमारी, मतलब कि मेन फेस का वायर किस लाइन में है और न्यूट्रल किस लाइन में है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर ये स्विच ऑन करूँगा, यहाँ पर मेन फेस की लाइन पहले से आ चुकी है। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा यहाँ पर ये दोनों सॉकेट में मेन फेस की लाइन आ जाएगी। ये पॉइंट मैंने, ये वायर मैंने इसी पॉइंट में क्यों लगाया, देख लीजिए फ्रेंड्स, हर सॉकेट पर लिखा होता है यहाँ पर L और N, मतलब कि हमें यहाँ पर लाइन देना है और यहाँ पर न्यूट्रल देना है। तो ये दोनों पॉइंट हमारा न्यूट्रल का रह गया और ये वाला पॉइंट हमारा लाइन का रह गया, और ये जितने भी बीच वाले पॉइंट होते हैं इसमें हमारा अर्थिंग का देना होता है। तो चलिए अब हम न्यूट्रल के वायर कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल के ये 2 पॉइंट है, उसे हम डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा मेन न्यूट्रल का वायर लेके आऊँगा, उसको मैं अच्छे से यहाँ पर इनके साथ ज्वाइन कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, इन सभी के साथ में मुझे एक वायर और कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर ये फैन रेगुलेटर लगाया है। और ये हमारा, ये मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा फैन है, फैन के भी 2 वायर निकलते हैं जिसमें फेस या फिर न्यूट्रल नहीं होते, और बल्ब में भी 2 वायर निकले होते हैं जिसमें फेस या फिर न्यूट्रल नहीं होते। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाला वायर, मैं कोई भी एक रैंडमली वायर चूज कर लेना, इसे मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि हमें फैन को भी एक न्यूट्रल ज्वाइन कराना है। न्यूट्रल फ्रेंड्स आप
कैसे भी विदाउट स्विच के माध्यम से ज्वाइन करा सकते हो। देखिए मैंने सभी को ऐसे ज्वाइन करा दिया है और अब मैं इसको इसमें ज्वाइन करा दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पर ये सभी न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। सॉकेट के दोनों पॉइंट में भी न्यूट्रल आ चुका है, ये हमारा फैन के एक वायर में भी न्यूट्रल आ चुका है और यहाँ से हमारा मेन न्यूट्रल का वायर भी इन सभी में कनेक्ट हो चुका है। तो फेस का वायर कनेक्ट हो गया है, न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो गया है, अभी हमारा रेगुलेटर का एक वायर का क्या करें हम और ये इन दोनों पॉइंट का क्या करें हम। तो रेगुलेटर का एक वायर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फैन का एक वायर भी बचा हुआ है और रेगुलेटर का भी एक वायर बचा हुआ है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे कैसे कनेक्ट कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फैन है, फैन के दो वायर निकले होते हैं, दोनों वायर में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक न्यूट्रल मैंने पहले से कनेक्ट करा दिया है। अब इसको मैं डायरेक्टली फैन को चलाने के लिए यहाँ पर मैं फेस कनेक्ट कर दूंगा तो ये फैन हमारा फुल स्पीड में घूमेगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बीच में मैंने ये यहाँ पर फैन रेगुलेटर का एक अडेप्टर लगा दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर ये सीधी फेस गई लाइन वो सीधा ज्वाइन कर दिया। किसी भी एक पॉइंट में ज्वाइन करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट में फेस कनेक्ट कर देना और दूसरा वाला वायर हम फैन के एक बचा हुआ वायर से ज्वाइन कर देंगे। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स, फैन के कनेक्शन भी कैसे करते हैं। और साथ में ये हमारा अब इसको मैं यहाँ पर ये अच्छे से टेप लगा दूंगा। अब यहाँ पर ये हमारा फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन अब कंप्लीट है, ये हमारा अर्थिंग का बाकी है। अब अर्थिंग का किसी एक फ्रेंड्स में अर्थिंग किसी के घर में अर्थिंग का वायर आया हुआ है या फिर किसी ने करवाया हुआ है तो आप ये भी वायर ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये आपको अर्थिंग के वायर भी कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। ये बस ये बीच वाले पॉइंट हमारे अर्थिंग के होते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से कनेक्ट कर देना कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ तक अब हमारा कनेक्शन अब कंप्लीट है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारी मेन सप्लाई गई स्विच में, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे यहाँ पर ही हमारे दोनों सॉकेट के एक पॉइंट में फेस चला जाएगा और न्यूट्रल मैंने डायरेक्टली ज्वाइन करा रखा है तो सॉकेट हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट करा रखा है, इसके साथ में देखिए ये फैन रेगुलेटर वाला वायर भी ज्वाइन करा रखा है, तो इसमें भी डायरेक्ट पावर पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ये हमारा 200 वाट का बल्ब है जो कि इसको ऑन करने पर ये दोनों सॉकेट ऑन होंगे। तो ये मैं छोटा सा एक टेस्टिंग बल्ब लेके आया हूँ, देखिए अब ये हमारा बल्ब चालू है, मैंने अपनी मेन सप्लाई ऑन कर दी है और ये वाला सॉकेट भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोनों वर्किंग में कंडीशन में है, तो ये कनेक्शन आप यूज़ में ले सकते हो। अब हम फैन रेगुलेटर वाला देखते हैं सिस्टम। इसको मैंने स्विच के माध्यम से नहीं ज्वाइन किया था, इसको मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया था। अब ये देखिए ऑफ पे है, तो जैसे ही मैं वन पे करूंगा तो इसमें कोई भी पावर नहीं आएगी क्योंकि ये 200 वाट का बल्ब है। तो जैसे ही मैं थ्री पे लेके जाऊंगा तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा बहुत करंट हो चुका है और ये फोर पे बिल्कुल ग्लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।